चौथी दिलाई तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। सावर के भिलाई स्टील प्लांट आधुनिक तीर्थ के साथ साथ सामाजिक संरचना बनाए के काम करी होकर साथ साथ भिलाई के जिन यहाँ के जिन साथी मन है तेकर मन के मेहनत से आज भिलाई एजुकेशन हब के नाम से भी जाने जाते। पूरा मध्य भारत में भिलाई के शिक्षा के क्षेत्र में अपन नाम है। दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं हुई जो भिलाई के पढ़े लेकर मन वो देश में काम नहीं करत हुई। तो भिलाई के भिलाई से हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान पूरा दुनिया में बने हैं और आज वही में भिलाई के शान में एक और सितारा जड़ गए कि ट्रिपल आईटी के आज यहाँ स्थापना हो थे। जब आईआईटी के जब स्थापना की बात होते जब 50 के दशक में जवाहरलाल नेहरू जी जब एक शुरुआत करी पांच ठक आईआईटी से तो वो समय कम साधन के बाद भी आईआईटी के निर्माण करना कोई हंसी मजाक नहीं रही। आज देश के अर्थव्यवस्था के कई गुना कम रही से तेकर बाद भी शिक्षा के महत्व समझते हुए उकर निर्माण किए गए और अतेक साल बाद 70 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान में जिन आईआईटी बने हैं आज सबसे नौजवान आईआईटी भिलाई में बने हैं और उकर नंबर 23वां है। अभी तक केवल 22 आईआईटी बने रही से 23वां आईआईटी है। एक अर्थ है कि आईआईटी के निर्माण में कतेक ताकत लगते कतेक मेहनत लगते। रजत जी अपन भाषण में बहुत विस्तार से सब बात करे पर्यावरण के दृष्टिकोण से आबोहवा के हिसाब से यहाँ के संरचना के हिसाब से वातावरण के हिसाब से कर निर्माण किए जाते। आईआईटी कतेक तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध होते कर बात ये बात से परिचायक हमारे उस शिक्षा मंत्री जी जन बात कहा थे कि रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च के माध्यम से आदमी के जीवन आसान होते। विज्ञान के सुविधा एक समय रही से जब एल्युमिनियम बहुत महंगा मिलत रही से वो एल्युमिनियम ल राजा महाराजा मन के किचन में या डाइनिंग टेबल में वो स्थान पाप रही से लेकिन ये विज्ञान के ही ताकत है जिन आज गरीब के घर के जिन थाली है तेन एल्युमिनियम के होते। ये विज्ञान के ही ताकत है कि 80 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आए तो 2000 रुपया में मिला त्रिस तो शहर में कोनो पहने तो बड़ा शान से वो बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहने हूं। अब आज इलेक्ट्रॉनिक घड़ी 2000 रुपये में किलो के हिसाब से खरीद लेता है। ये विज्ञान की ताकत। तो आज ही प्रकार से वही उम्मीद हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ये आईआईटी से कर रहे थे कि बहुत अकन क्षेत्र है जहां काम किए जा सकते। हमारे छत्तीसगढ़ में आयरन है, हमारे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, हीरा है, सोना है, सब कुछ है। हमारे वैल्यू एडिशन करे की जरूरत है। इस्पात से बहुत कुछ बनते लेकिन हमन केवल स्टील बनाए भर आयरन ओर से केवल स्टील भर बनाथन लेकिन ऊपर वैल्यू एडिशन हमन नहीं कर पाथन। हमारे यहां एल्युमिनियम बनते बॉक्साइट एल्युमिनियम बनते लेकिन एल्युमिनियम से औका का बनाया जा सकते ओकर वैल्यू एडिशन के यहां कोई और संस्थान नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। कवर की जब तक इंडस्ट्री लगी उतके ज्यादा हमन रोजगार के अवसर मिले। तो आज जैन प्रकार के बाद अभी धान लोई सिरागे मिंजई भी चले थे, कल से धान खरीदी शुरू होए, पहले दिन ही 98,000 मीट्रिक टन धान खरीदी होए, भरपूर उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुई। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बनी हमारे कांग्रेस के तो हम पहले साल ले रहे 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल खरीदे 83 लाख मीट्रिक टन,
ये साल 83 नहीं 85 नहीं पता नहीं कब का जाही। किसान मन खूब मेहनत कर रहे थे, काबर कि छत्तीसगढ़ के किसान कृषि एक लाभकारी है। कोनो जगह 2500 रुपया दुनिया में कोनो जगह धान खरीद नहीं होते, लेकिन छत्तीसगढ़ में होते। भारत सरकार प्रतिबंध लगाई तो हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान मल देख शुरुआत करें। कोरोना काल चला थे, अभी जैसे IIT बनाए में एक चुनौती है कि 2022 तक बनाना है, कोरोना काल के कारण से विलंब हो गए। छत्तीसगढ़ी समझ रहे हैं ना मुना जी, मैं भी मुनत बोल दिया था क्योंकि वो भी वैसी मुनत बोल दिया था और वैसी गड़बड़ी आपने की थी। सरोज पांडे को श्रीमती बोल दिए थे आप, सुश्री सरोज पांडे को, उसको सारी बोलिएगा जरूर। तो एक कोरोना काल में एक निर्माण में कुछ विलंब हो है, लेकिन 2022 तक के पूरा करना है। और वो IIT का IIT है जिन चुनौती न हो और चुनौती स्वीकार न करे और चुनौती पूरा न करे। मैं समझता हूं 2022 तक के एक लोकार्पण हो जाए, एक पूर्ण भव्यता के साथ ये IIT अपन स्वरूप मूल स्वरूप में आ जाए। छत्तीसगढ़ी समझ रहे हैं ना, 2022 तक बना लेंगे, बनाना है। ये चुनौती है और इसको आप स्वीकार करें, वो इसने हमारा मानकर चुनौती है। इंदिरा जी के आह्वान पे देश के किसान हरित क्रांति के आंदोलन चले, 1970 के दशक से लेकर आज तक के अधिक अनाज के उत्पादन हुए कि भारत सरकार के FCI में गोडाउन में रखे पर जगह नहीं है। 3 साल तक के सूखा भी पड़ जाए तो पूरे हिंदुस्तान के जनता भोजन कराए पर अतकर आसन हमारे भारत सरकार करे, अधिक उत्पादन हमारे किसान मन करे। अब सवाल यह थे जब तोड़कर अनाज रखे की जरूरत नहीं, जगह नहीं है, अनाज रखे की तोड़कर जगह नहीं है, समर्थन मूल्य में खरीद नहीं सका था, बोनस देवन नहीं दे था, अब ऐसी स्थिति में किसान मन के का हुई। 1.5 साल से मैं पीछे पड़े हूं, ये धान से इथेनॉल बनाया जाए, इथेनॉल मतलब पेट्रोल, और एक बार ये साल अनुमति भी दी तो FCI के चावल की अनुमति दे। मैं फिर जाके प्रधान जी से जिन मंत्री विभागीय मंत्री तेल के भाई धान से चावल से नहीं, भाई धान से दे, हमला अनुमति दे, हमारे कर जेना शेष धान है देकर हमारे इथेनॉल बनान, ते स्वयं जब का लेना है, हमारे राज्य में जब का चावल की जरूरत है ओला हम पूरा करें, लेकिन ओकर बाद भी हमारे धान बचत है ओकर इथेनॉल बनना चाहिए ताकि किसान के जो उत्पादन है ओकर रेट मिल सके। आज बिहार में 1,000 रुपये में बिकत है, झारखंड में 1,000 रुपये में बिकत है, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ पूरा समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदा था और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी दे सन। 3 किस्त दे रहे हैं, चौथा पर चिंता मत करो, मार्च एक पहली मिल जाएगी तुम्हारा, धान के पैसा खर्चा करो तो करो मार्च में तुम्हारा पैसा मिली। चौथा किस्त तो हर 2 महीना 3 महीना किसान लोग पैसा मिलत रही, एक व्यवस्था। तो हम भारत सरकार से ही कहा था इथेनॉल की परमिशन हमारे मिलना चाहिए। अब ये जब वैज्ञानिक संस्थान में बैठे हैं, यहां तकनीकी विश्वविद्यालय के भी सब प्रोफेसर और वाइस चांसलर बैठे, IIT में हमन बैठे हैं, यदि इथेनॉल बनाए के प्लांट आज 125 करोड़ रुपया में है, ओकर आधुनिक तरीका और निकाला तो 25-50 करोड़ रुपये में बन जाए, तो हमन तो हर 2-4 गांव में सब प्लांट लगा दें ताकि किसान मन जब का जरूरत है तब का कृत्रिम धान रखे बचत के पेट्रोल बनावाए, ताकि किसान के धान की कीमत कम ना हो। ये हमारे मन की कोशिश। और छत्तीसगढ़ अब सरकार है, हमन पहले छत्तीसगढ़िया मन अपन चीज मन के कोई कीमत नहीं समझते रहे,
हमार कहे मतलब वो मुफ्त है, लेकिन अब समय बदल गए। अब एक समय रही से दूसर प्रदेश में अभी भी ट्राली गोबर बिकते, लेकिन हमार प्रदेश छत्तीसगढ़ तीन किलो में बिकते, किलो में 2 रुपया किलो में खरीदा था। तो गोबर के भी कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करे। हर चीज के वैल्यू एडिशन, लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन हम करा था। उसी प्रकार से जिन धान के से एथनॉल बनाना है वो हमारे वैज्ञानिक मतलब चुनौती है। वो मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन प्रोसेसिंग जिन प्लांट है आज 125-150 करोड़ रुपया है, जैसे राइस मिल 5-10 करोड़ रुपये बन जाते, वही प्रकार से एथनॉल प्लांट भी सस्ता में बने, उगर कास्ट कम है। ज्यादा जैसे 2 किलो धान में 1 किलो एथनॉल बनते तो वो में और ज्यादा से ज्यादा मतलब परफेक्शन आ जाए, ये कोशिश यदि हमारे ये यूनिवर्सिटी में से हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये न केवल छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था बदलने वाला होगी बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था बदलने में सफल हुई। और जो 70% आबादी जिन किसान कृषि ऊपर जिन निर्भर है वो संपन्न रही, सुखी रही, नौकरी पीछे कोनो नहीं भागी। यदि काकरो कर 5 एकड़ जमीन है ओकर से ज्यादा सुखी और संपन्न दूसर कोई आदमी नहीं हो सका। तो ये चुनौती हमारे मन के सामने है। तो मैं पुनः आप सब बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, दीपावली भी बधाई, अभी प्रकाश पर्व मनायन, पुण्य मेला मनायन, तेकरो भी बधाई, और आने वाला अब गुरु घासीदास जयंती भी आने वाला है, गुरु पर्व आने वाला है 18 तारीख के, 17 तारीख हमारे सरकार के 2 साल पूरा हुई, 18 तारीख के गुरु पर्व शुरू होते, ओकरो में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य।